Welcome to SKU Digital Learning Classes. I am Dr. Alka Nigam, Department of Management. Today I present a topic, SWOT analysis, which is beneficial for BSc Honours, Agriculture, 3rd and 5th sem, and also management student. So let's start the video. Here are some learning objectives. The first one is, what is SWOT analysis? And the second, what is the SWOT analysis? Why is the SWOT analysis so popular? The third one is, what are the elements of SWOT analysis? And last, failure or problems of SWOT analysis. Here, SWOT. सबसे पहले हम SWOT को इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे. The full form of SWOT. The first one is S. S stand for strength. W for weakness. O for opportunity and T for threats. यहाँ पर हम SWOT को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आता है. इंटरनल एनवायरनमेंट को हमारे चूँकि इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर हमारे अंदर की चीज़ें हैं इसलिए उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में रखा गया है. स्ट्रेंथ और वीकनेस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसे स्ट्रेंथ है तो उसे इंक्रीज कर सकता है और अगर वीकनेसेस हैं तो उसे डिक्रीज कर सकता है या उसको मिनिमाइज कर सकता है. एलिमिनेट तो नहीं कर सकता लेकिन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है. और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स चूँकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स यानी कि बाहर से आती हैं. वो कभी भी आ सकती हैं. हमें बाहर से अपॉर्चुनिटी जो अवसर हैं जो खतरे हैं वो हमें बाहर से मिलते हैं इसलिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं. हेयर इज SWOT एनालिसिस. अब हम SWOT एनालिसिस को थोड़ा और समझते हैं कि SWOT एनालिसिस एक्चुअली में है क्या. SWOT एनालिसिस को सबसे पहले एल्बर्ट हैम्फरे ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 में अपनी थ्योरी में ये कहा था कि SWOT एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है. प्लानिंग टूल यूज टू अंडरस्टैंड SWOT इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट यानी कि SWOT एनालिसिस को SWOT एनालिसिस हम किसी का भी कर सकते हैं. किसी भी पर्सन का प्रोजेक्ट का किसी प्रोडक्ट का किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी चीज़ का हम उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स निकाल सकते हैं. यहाँ पर SWOT एनालिसिस को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. व्हाई इज़ द SWOT एनालिसिस सो पॉपुलर. SWOT एनालिसिस इतना पॉपुलर क्यों है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए SWOT एनालिसिस की क्या पॉपुलैरिटी है. वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में SWOT एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है वो हम कुछ टॉपिक से समझेंगे. द फर्स्ट वन व्हाइल नॉट एन ईजी टास्क टू परफॉर्म SWOT डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर. मतलब कि हमें SWOT एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग स्किल या किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमें SWOT एनालिसिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि ऑनेस्टी ऑन योर ऑपरेशन. मतलब कि लॉयल होना चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए. इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में SWOT एनालिसिस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है और वो बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है. द सेकेंड वन इज द मोस्ट मैनेजर्स एंड वर्कर आर वेरी एक्सपर्टीज इन देयर वर्क. लेकिन जो और ज़्यादा और जो एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते. जो और मेंबर हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते अपने वर्क में. जो एक्सपर्ट हैं मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉय. तो क्या होता है कि SWOT एनालिसिस हेल्प करता है किसमें आपको उन वर्क में उस एक्सपर्टीज में और एक्सपर्ट बनाने के लिए. तो यहाँ पर इसलिए SWOT एनालिसिस को इतना पॉपुलर माना गया है. SWOT एनालिसिस प्रोवाइड अ ब्रीफ
बट कंप्लीट समरी ऑफ द ऑपरेशन। यहाँ पर SWOT एनालिसिस आपको संक्षिप्त में यानी कि छोटे आकार में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक कंप्लीट समरी होता है आपके ऑपरेशन के लिए। इसलिए भी हर ऑर्गेनाइजेशन में SWOT एनालिसिस को इतना पॉपुलर माना गया है। फिर एलिमेंट्स ऑफ SWOT एनालिसिस, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं SWOT एनालिसिस के जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रेंथ क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, अ टीम दैट गिवन एडवांटेज ओवर अदर इन द इंडस्ट्री, मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं जो कि अलग अलग लेवल के होते हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है कि कैसे निकालेंगे, तो कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई भी ऐसा एडवांटेज जो आपको अदर पर्सन से आगे ले जाए, आपको अदर पर्सन से ग्रोथ करने में हेल्प करें, तो वो क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। अब सपोज दैट किसी पर्सन को लेकर चलते हैं, तो किसी पर्सन की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। किसी पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, किसी पर्सन का मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा है, किसी पर्सन का मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्किल बहुत अच्छा है, किसी का लीडरशिप बहुत अच्छा है, तो ये उस पर्सन के लिए क्या है, ये उस पर्सन के लिए उसकी स्किल है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो उसको आगे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। पॉजिटिव टेंजिबल एंड इनटेंजिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। मतलब कि टेंजिबल मीन्स कि वो हमें दिखाई भी दे सकती है, और कुछ स्ट्रेंथ ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अब कौन सी जो स्ट्रेंथ है हमें दिखाई देती है, जैसे कि सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है और हम उसे देख सकते हैं, तो वो टेंजिबल है। लेकिन कुछ हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, इनटेंजिबल होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो हमारे लिए क्या है, इनटेंजिबल। सपोज दैट किसी प्रोडक्ट का या किसी कंपनी का ब्रांड नेम, ये उसको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है, उसके लिए एक स्ट्रेंथ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, वो क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी की अगर कोई स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो क्या हो सकती है, उसके पास मान लीजिए बहुत सारा कैश रिजर्व में है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, ये उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर उसके पास टैलेंटेड क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है। किसी भी एम्प्लॉय के पास अगर टैलेंटेड पर्सन है, उसके सीईओ या उसके जो टीम है वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ही स्ट्रेंथ की बात है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी अगर बहुत अच्छा है, तो वो कंपनी के लिए क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है, एक कंपनी का ब्रांड नेम भी, कंपनी का ब्रांड नेम भी उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ में आएंगी। द नेक्स्ट वन इज़ वीकनेस। अब यहाँ पर वीकनेस दैट प्लेस द फर्म एट अ डिसएडवांटेज रिलेटेड टू अदर, यहाँ पर क्या है, जिस तरह स्ट्रेंथ हमें एक एज प्रोवाइड करती है, हमें एडवांटेज देती है, उसी तरह से वीकनेस क्या है, हमें डिसएडवांटेज देती है, यानी कि वीकनेस हमें
आगे ग्रो करने से रोकती है। किसी भी पर्सन की डिसएडवांटेज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन है वो अदर पर्सन से या उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उसके कंपटीशन में आपकी स्किल्स अगर बहुत ही लो लेवल की हैं तो वो आपके लिए क्या हैं, वो आपकी वीकनेसेस हैं। वीकनेस आर द फैक्टर्स विच डू नॉट मीट टू अदर स्टैंडर्ड वी फील दैट शुड मीट। वीकनेस हमें लगता है कि हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे, क्योंकि ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, मतलब कि हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, पर वो ऐसा होता नहीं है। हम किसी भी वीकनेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम उसे ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसे कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हाउएवर दे आर कंट्रोलेबल, यानी कि चूँकि ये इंटरनल एनवायरनमेंट में है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बढ़ने से रोक सकते हैं अगर वो हमारी वीकनेस है। तो यहाँ पर भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे कि वीकनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकती है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या हो सकती है कि उसके पास कैश बहुत कम है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। वो R&D में कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब चूंकि उसके पास कैश बहुत कम है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ही कम इन्वेस्ट कर पाएगा, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वीकनेस है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो वो भी क्या है, आपकी वीकनेस है। अगर आपके कॉम्पिटिटर का सेम प्रोडक्ट लो प्राइस पे मार्केट में सेल हो रहा है और आप उसी प्रोडक्ट को अगर हाई प्राइस पे हाई लेवल पे सेल कर रहे हो तो वो भी आपकी वीकनेस है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, आपके वीक पॉइंट में, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको वीकनेसेस की तरफ इंडिकेट करती हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़, अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कराती हैं, हमारी ग्रोथ करती हैं, अगर हम उसे सही समय पर पहचानें। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेटर प्रॉफिट्स इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर बाहर से आ रही हैं उसे सही समय पर अगर पहचाना जाए तो वो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अब किस तरह की होती हैं, अब जैसे कस्टमर के टेस्ट एंड नीड, कस्टमर की जो टेस्ट एंड नीड्स हैं अगर वो टाइम पे चेंज हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उससे ग्रोथ या प्रॉफिट गेन कर सकता है। द सेकेंड वन इज़ जैसे कि कॉम्पिटेटिव कंपनी परफॉर्म वेरी बैड, अगर कोई कॉम्पिटेटिव कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस वेरी बैड है, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करके ग्रो अर्न कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कंपटीशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, अगर मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा
तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि और कुछ अपॉर्चुनिटीज़, राइट, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैप की तरह आती हैं, मतलब आपके लिए वो ट्रैप होती हैं और आप उसमें ये देखना होता है कि आप उसमें फंसते हो या नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट में कोई न्यू मूवी आई और वो बहुत चल रही, बहुत डिमांड में है और आपके पास बार बार उसकी डिमांड आ रही, टिकट्स की डिमांड आ रही है और आपका जो कैपेसिटी एरिया है वो मान लो 100 पीपल का है, ठीक है, 100 लोगों के पास आपके पास कैपेसिटी है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब आपने क्या सोचा कि हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आपने क्या किया, 50 सीट्स और बढ़ा दी कि बहुत सारी डिमांड आ रही है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने 50 सीट्स और बढ़ा दी। अब यहाँ पर वो मूवी है एक्चुअली, तो वो कभी भी निकल सकती, जा सकती है, एक टाइम पीरियड के बाद तो उसको जाना ही है, फिर नेक्स्ट मूवी आएगी। अब जो नेक्स्ट मूवी आई वो इतना ज़्यादा नहीं चल रही है, वो नॉर्मल है, जो कि आपके 100 कैपेसिटी के लिए इनफ थी, लेकिन अब आपने 50 सीट्स और इनक्रीज कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ट्रैप की तरह होगी। अब ये 50 सीट्स जो आपने इनक्रीज की उसका आपको कॉस्ट तो लग ही रहा है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या उसका मेन कॉस्ट हो, कॉस्ट तो आपको लग ही रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए फेलियर भी साबित हो सकती है, यहाँ पे वो आपको लॉस भी दे सकती है। तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना होगा कि एक्चुअल में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं COVID-19 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब COVID-19 आया था तो उस टाइम पे वो बहुत बड़ा क्राइसिस था, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे कि सैनिटाइज़र और मास्क। ये सैनिटाइज़र जो हैं पहले शायद ही रेयर ही किसी के यहाँ देखे जाते थे, लेकिन COVID-19 के आने से क्या हुआ कि सैनिटाइज़र और मास्क की सेल बहुत ज़्यादा हो गई और जो वो सैनिटाइज़र को प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि ये एक महामारी थी लेकिन किसी और के लिए वो अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट कमाने की। तो वहाँ पर सैनिटाइज़र, फेस मास्क, फार्मा, जिंक और कैल्शियम के टैबलेट, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑटोमेटिक कमा रही थी, ये अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आई थी उनके पास, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक से आई थी और वो फार्मा कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। द नेक्स्ट वन थ्रेट्स। अब थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स खतरा या चुनौतियाँ, ये हमें कहाँ से आते हैं, ये हमें आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें खतरे आते हैं या चुनौतियाँ, जैसे कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव हैं वो हमारे लिए थ्रेट्स पैदा कर सकते हैं। थ्रेट्स किस तरह के होते हैं, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे कि थ्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के लिए जो आपके लिए वो स्ट्रेंथ है, किसी और पर्सन के लिए वो स्ट्रेंथ ना हो और आपके लिए जो वीकनेसेस हैं वो उसके लिए वीकनेस का पार्ट ही ना हो, तो ये आपको एक थ्रेट यानी कि खतरा आपके लिए बनाएगी। मार्केट में स्टेबल रहने के लिए हमें टाइम टाइम पे जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसे पहचानना और उससे कैसे डील करना है ये क्लियर होना चाहिए। हेयर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ SWOT एनालिसिस। अब SWOT एनालिसिस को करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब SWOT एनालिसिस जब हम करेंगे तो किस किस हमें टाइम पे रिलायबल
और सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें कि हमेशा नहीं मिल सकती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें SWOT एनालिसिस करने में दिक्कत आती है। द सेकेंड वन इज़ सब्जेक्टिव नेचर। SWOT एनालिसिस बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर का होता है, इससे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होते कि हम जो SWOT एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअली वो किस ऑब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह पर SWOT एनालिसिस किसी के लिए अलग होता है और किसी के लिए अलग होता है। और एक दो बार SWOT एनालिसिस करने से और फिर हमने बाद में करना छोड़ दिया तो ये भी एक वीक पॉइंट होता है, क्योंकि हमें टाइम टाइम पे SWOT एनालिसिस करना, आज हमने किया और थोड़े टाइम बाद उसको छोड़ दिया तो जो आने वाले थ्रेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमसे छूट जाती हैं। तो हमें टाइम टाइम पर और कई बार SWOT एनालिसिस को करना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक स्लो, मतलब ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, यानी कि SWOT एनालिसिस बहुत ही धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें चार स्टेप्स हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इन चारों चीज़ों को जब एक साथ किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मिला के, तब जाके SWOT एनालिसिस होता है। तो ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू।